एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। आज तीसरा दिन आई थिंक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन अब मैं फिर से बना रही हूँ। रीज़न बस यही था कि मेरा मन नहीं कर रहा था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बस था कि रेस्ट मोड पे घर का काम कर लो, फिर थक जाती थी और सो जाती थी, तो व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई। और अभी मैंने प्रमोशन की साड़ी डाली हुई है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। ओवरऑल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं ऊपर शूट करने जाऊंगी। और ये देखो कितना प्यारा चूड़ा है, फोटो चूड़ा है, इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। बहुत ही प्यारा चूड़ा है ये, इसमें नाम भी लिखा हुआ है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और परी अभी एक भजन गा रही है, आप लोगों को सुनाती हूँ कौन सा भजन गा रही है। आ जाओ बेटा गा दो। अच्युतम केशवम कृष्णा दामोदरम नाथ नारायण जानकी विलभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी विलभम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो ये है परी का भजन जो परी ने याद किया है बहुत मुश्किल से। अभी मैं किचन में जा रही हूँ और मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, क्योंकि भूख लग रही है तो थोड़ा चटपटा खाने का मन था। मैक्रोनी उबल रही है, यहाँ चाय चढ़ा दी है। चाय बनाने में मैं बिल्कुल खच्चड़ हूँ, मतलब चाय बनानी नहीं आती मुझे, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी चाय बनाऊँ। यहाँ मैं तड़का मारूंगी मैक्रोनी का और ये आगे परी। गाइस ये लो मम्मा। गाइस आपसे एक बात बतानी है। बताऊँ क्या? हाँ। पहले एपिसोड में भी मैंने खुद मैगी बनाई थी, अब मैं खुद बनाने वाला हूँ आज। वाओ, दिखाऊं? चलो दिखाती हूँ। पहले मैं ये तीनों बुक हो रखी है, पहले इनको खत्म कर लूँ, उसके बाद अपना करना। अब बोलो गाइस, अभी मैंने मैगी खोल चुकी है। देखो परी के नाना ने बोला था कि पहले पानी गरम करवा, इसको सिखा शेफ नानू ने, एडवाइस दी थी। जल्दी जल्दी करो फिर मैं जाऊँ। मैंने तो अपनी मैक्रोनी बना ली। वेरी गुड, पूरा नीचे गिरा दिया। आप जब निकालते तब आपसे नहीं गिरता। मेरी मैक्रोनी और चाय दोनों रेडी है। गाइस एक बात बताओ, जैसी भरनी वैसी करनी। बताऊ क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। बताऊ क्यों? क्योंकि मम्मा ने एक दिन मैगी बनाई मेरे को नहीं दी, और जब मैं सारा मसाला गिर गया बेटा, सारा गिर गया। या तो फोकस एक चीज पे रखा करो या बात ही कर लो। वही बात बताऊं, क्योंकि मम्मा ने अपनी दे दी, मैंने अपनी दे दी और मेरी इच्छा कर दी। मसाला डाल लो इसमें। अब पहले वो थोड़ा देती इतने। चलो बना लो, मैं जा रहा हूँ। तो ये है मेरी साड़ी जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिखाऊंगी, और ये है चूड़ा। देखो फोटो लगी हुई है, नाम है। अगर आप लोगों को भी लेना है ना तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अभी जस्ट हमने फोटो शूट खत्म करा है। ये हमारी भूतनी जो किसी को जीने नहीं देती, हर टाइम मस्ती मस्ती। बताना ना ये भूतनी की मम्मी चुड़ैल, ऐसे बताती मैं भूतनी तो मेरी मम्मी चुड़ैल ऐसे बताने की पागल। आपने घर में आते जो तारीफ कर रही वो कर दो, क्या बताऊं? मतलब हर बार मेरे को लोगों को ही बताना होता है, मैं जबरदस्ती तारीफ करवाती हूं। अच्छा। फिर सब कहते हैं मैं ओवर एक्टिंग करती हूं, जबरदस्ती तारीफ करवाती हूं। तो ये सामान तो फिर मांगा तंगा है ना सारा, ये मतलब प्रमोशन का है। हां तो फ्री में प्रमोशन में आया ना, तो इस सामान की तारीफ करती ठीक ना है। सामान की मेरी करो।
सामान बहुत अच्छा है भाई, जिसने भी सामान दिया है हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही ऐसे सामान भेजते हो यार, आदमियों का भेज दे करो कुछ यार, 10-20 भेज दो यार, इतने भाई साहब इतनी परफेक्ट बॉडी है, 10-20 लगा लगा के डालेंगे, वायरल हो जाएगा इसके। कोई तारीफ ही नहीं होती, भाड़ में जाओ। ये देखो हमारे निम्बोली लगी है, इसको क्या बोलते हो आप, निम्बोली को निम्बोली नहीं, कुछ मीठा हम बोलते हैं, निम्बोली बोलते हैं। गाइस मैं भी खा रही हूँ आधे घंटे से। आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन बताना, निम्बोली का फायदे क्या, मेरे को तो नहीं पता। और हमारी छत पे निम्बोली निम्बोली हो रखी है, निम्बोली की बारिश हो रखी है, बारिश झाड़ू मार दू छत पे दादा। बेटा बारिश का मौसम सा लग रहा मुझे, फिर ये ना सारे निम्बोली की वो ये इसमें फंस जाएगी जाल में। आज अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा मन कर रहा ऊपर बैठी हूँ मैं। बैठी रहो कौन रो, कोई रोक रहा है? हेलो यार बफावो। वही से सीधी चॉकलेट आई है मेरे लिए, क्या करूँ मैं, मतलब बाहर के ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। ओ माय गॉड, तेरे को चाहिए चॉकलेट? ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? नहीं क्या है ये, व्हाट इज दिस बकवास? मैं ये के ये दुबई से, मैंने कहा मेरा चॉकलेट खाने का, मैंने सीधा दुबई गई और लेके आई। मतलब तू एक डब्बा मेरे लिए ले ली, बाकी तू खाएगी, वैसा तू जिम जा रही है यार। मेरे को सिर्फ रात को ना एक डार्क चॉकलेट मिली। अब मैं इसको खा के देखती हूँ कैसी है वेट, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कोई पहले ही हमला करके आया है। नहीं यार इतनी आती है इसमें, एक डब्बा खोल के देखा। ये खोलिए इसको, खोलिए भाई खा के देखूं। वो सच में अच्छी है। मैंने इसकी डार्क चॉकलेट खाई थी, बहुत अच्छी है डार्क चॉकलेट, खजूर की चॉकलेट है ये। मैं सोचूं टेस्ट कैसा है इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ, आज तीसरा दिन आई थिंक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन अब मैं फिर से बना रही हूँ। रीज़न बस यही था कि मेरा मन नहीं कर रहा था, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बस था कि रेस्ट मोड पे घर का काम कर लो, फिर थक जाती थी और सो जाती थी, तो व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई। और अभी मैंने प्रमोशन की साड़ी डाली हुई है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। ओवरऑल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं ऊपर शूट करने जाऊंगी। और ये देखो कितना प्यारा चूड़ा है, फ़ोटो चूड़ा है इसमें, मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, बहुत ही प्यारा चूड़ा है ये, इसमें नाम भी लिखा हुआ है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और परी अभी एक भजन गा रही है, आप लोगों को सुनाती हूँ कौन सा भजन गा रही है। आ जाओ बेटा गा दो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायण जानकी विलभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम मकोधे नारायणम जानकी विलभम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो ये है परी का भजन जो परी ने याद किया है बहुत मुश्किल से। अभी मैं किचन में जा रही हूँ और मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, भूख लग रही है तो थोड़ा चटपटा खाने का मन था। मैक्रोनी उबल रही है, यहाँ चाय चढ़ा दी है, चाय बनाने में मैं बिल्कुल खच्चड़ हूँ, मतलब आई मतलब चाय बनानी नहीं आती मुझे, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी चाय बनाऊँ। यहाँ मैं तड़का मारूंगी मैक्रोनी का और ये आगे पड़ी। गाइस ये लो मम्मा, गाइस आपसे एक बात बतानी है, बताऊँ क्या? हाँ पहले एपिसोड में भी मैंने खुद मैगी बनाई थी, अब मैं खुद बनाने वाला हूँ आज। वाओ दिखाऊँ? चलो दिखाती हूँ। पहले मैं ये तीनों बुक हो रखी है, पहले इनको खत्म कर लूँ उसके बाद अपना करना। अब बोलो गाइस, अभी मैंने मैगी खोल चुकी है, देखो
परी के नाना ने बोला था कि पहले पानी गरम करवा, इसको सिखा शेफ नानू ने, एडवाइस दी थी। जल्दी जल्दी करो फिर मैं जाऊं। मैंने तो अपनी मैक्रोनी बना ली। वेरी गुड, पूरा नीचे गिरा दिया। आप जब निकालते तब आपसे नहीं गिरता। मेरी मैक्रोनी और चाय दोनों रेडी है। गाइस एक बात बताऊं, जैसी भरनी वैसी करनी। बताऊं क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। बताऊं क्यों? क्योंकि मम्मा ने एक दिन मैगी बनाई मेरे को नहीं दी, और जब मैं मम्मा की सारा मसाला गिर गया बेटा, सारा गिर गया। या तो फोकस एक चीज पे रखा करो या बात ही कर लो। वही बात बताऊं, क्योंकि मम्मा ने अपनी दे दी, मैंने अपनी दे दी और मेरी इच्छा। मसाला डाल लो इसमें। अब पहले वो धोने देती। इतना टॉर्च में चलो बना लो, मैं जा रहा हूँ। तो ये है मेरी साड़ी जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिखाऊंगी, और ये है चूड़ा। देखो फोटो लगी हुई है, नाम है। अगर आप लोगों को भी लेना है ना तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अभी जस्ट हमने फोटो शूट खत्म करा है। ठंडा लग गया होगा ना? हाँ, और अब जा रहे हैं नीचे। और मौसम अच्छा हो रहा है, मैं ड्रेस चेंज करूंगी। हाय, कभी तो बोल दिया। ये हमारी भूतनी जो किसी को जीने नहीं देती, हर टाइम मस्ती मस्ती। ये है भूतनी, इतनी भूतनी दिखती है, मैं क्या बताऊं। अपने घर में आते तारीफ कर बताना ना, ये भूतनी की मम्मी चुड़ैल, ऐसे बता दी। मैं भूतनी तो मेरी मम्मी चुड़ैल, ऐसे बताने से पागल। अपने घर में आते जो तारीफ करेगी वो कर दो। क्या बताऊं, हर बार मेरे को लोगों को ही बताना होता है, मैं जबरदस्ती तारीफ करवाती हूं। फिर सब कहते हैं मैं ओवर एक्टिंग करती हूं, जबरदस्ती तारीफ करवाती हूं। तो ये सामान तो फिर मांगा तंगा है ना सारा, ये मतलब प्रमोशन का है। हाँ तो फ्री में प्रमोशन में आया ना, तो इस सामान की तारीफ करती ठीक ना है। सामान बहुत अच्छा है भाई, जिसने भी सामान दिया है हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही ऐसे सामान भेजते हो यार, आदमियों का भेज दे करो कुछ यार, सेंट उन्टी भेज दो यार। इतने इतना इतने इतने भाई साहब इतनी परफेक्ट बॉडी है, सेंटर में लगा लगा के डालेंगे, वायरल हो जाएगा। इसके अपने प्रमोशन का इसके आई डिप डाल, कोई तारीफ ही नहीं होती। भाड़ में जाओ, ये देखो हमारे निम्बोली लगी है। इसको क्या बोलते हो आप, निम्बोली को? निम्बोली नहीं, कुछ मीठा हम बोलते हैं, निम्बोली बोलते हैं। गाइस मैं भी खा रही हूँ आधे घंटे से। आप लोगों को पता तो कमेंट सेक्शन बताना, निम्बोली का फायदे क्या? मेरे को तो नहीं पता। और हमारी छत पे निम्बोली निम्बोली हो रखी है, निम्बोली की बारिश हो रखी है। बारिश झाड़ू मार दू छत पे दो जा। मैं बेटा बारिश का मौसम सा लग रहा मुझे, फिर ये ना सारे निम्बोली की वो ये इसमें फंस जाएगी जाल में। आज अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा मन कर रहा ऊपर बैठी रहूं मैं। बैठी रहो, कौन रोक रहा है? हेलो यार बफाओ। वही से सीधी चॉकलेट आई है मेरे लिए, क्या करूँ मैं, मतलब बाहर के ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। ओ माय गॉड, तेरे को चाहिए चॉकलेट? ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? नहीं क्या है ये, व्हाट इज दिस बकवास? मैं ये के ये दुबई से, मैंने कहा मेरा चॉकलेट खाने का, मैंने सीधा दुबई गई और लेके आई। मतलब तू एक डब्बा मेरे लिए ले, बाकी तू खाएगी? वैसे तू जिम जा रही है यार, मेरे को सिर्फ रात को एक डार्क चॉकलेट मिले। अब मैं इसको खा के देखती हूँ कैसी है वेट, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कोई पहले ही हमला करके आया है। नहीं यार इतनी आती है इसमें, एक डब्बा खोल के देखा। ये टेस्टी, खोलिए इसको, खोलिए भाई खा के देखूं। वो सच में अच्छी है। मैंने इसकी डार्क चॉकलेट खाई थी, बहुत अच्छी है डार्क चॉकलेट। खजूर की चॉकलेट है ये, मैं सोचूं टेस्ट कैसा है इसका।